नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है EBSE पर। पिछले वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 किया था एक्सरसाइज सेकंड ए में। आज अपन क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि अगर वीडियो पूरा देखेगा तो समझ में ज़्यादा आएगा और अगर वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो समझ में कम आएगा। पिछली वीडियो नहीं देखी है तो भी समझ में नहीं आएगा, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सीरियसली पढ़ना है तो पिछला वीडियो भी देखिए और सारे वीडियोज़ देखिए ताकि आपके डाउट कुछ भी नहीं रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। 8 में एक समीकरण दी हुई है और उसमें करना क्या है कि निम्न वक्रों की अनंत स्पर्शीय ज्ञात करनी है। अनंत स्पर्शीय ज्ञात करनी है तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो ये दे रखा है। तो सबसे पहले अपन इसमें फाइव थ्री एक्स फाइव टू एक्स और फाइव वन एक्स को निकालेंगे। तो फाइव थ्री एक्स कैसे होता है, तो फाइव थ्री एक्स के लिए जिस टर्म की घात है, जिस टर्म की जो घात है वो तीन होगी, उनको अपन सम्मिलित करेंगे फाइव थ्री एक्स में, और जिसकी घात दो होगी उन्हें फाइव टू एक्स में सम्मिलित करेंगे, और जिनकी घात एक होगी उन्हें फाइव वन एक्स में सम्मिलित करेंगे। तो एक्स क्यूब की घात तीन है तो फाइव थ्री एक्स में सम्मिलित होगा। उसके बाद इसकी घात दो है एक्स की और वाई की घात एक, यानी दो और एक होगी तीन, इसे भी फाइव थ्री एक्स में सम्मिलित करेंगे। उसके बाद में एक और दो तीन और ये तीन, मतलब यहाँ तक है समीकरण में वो फाइव थ्री एक्स में काउंट होगा। फाइव टू एक्स देखिए, इसकी घात एक है एक्स की और इसकी वाई की घात भी एक है, तो इन दोनों को अपन फाइव वन एक्स में सम्मिलित करेंगे, माइनस थ्री एक्स माइनस का वाई। फाइव टू एक्स हो जाएगा जीरो क्योंकि है नहीं। अब इन तीनों समीकरणों में एक्स की जगह एक और वाई की जगह एम रखते हैं। तो फाइव थ्री एम बन जाएगा एक प्लस एम प्लस माइनस एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब, और फाइव टू एम हो जाएगा ज़ीरो, और फाइव वन एम बराबर माइनस का तीन माइनस का एम। अब फाइव थ्री एम का एक बार अवकलन करेंगे, इसका अवकलन तब तक करेंगे जब तक कि इसमें सिर्फ एम नहीं रह जाता, यानी एम क्यूब है इसमें एम स्क्वायर है और इसमें एम है, यानी इस पूरी समीकरण में सिर्फ एम नहीं रह जाता तब तक इसका अवकलन करते रहेंगे। फाइव थ्री डैश बराबर एक बार अवकलन किया एम के सापेक्ष में तो एक माइनस दो एम माइनस तीन एम की घात दो, और फाइव डबल डैश थ्री एम इक्वल टू माइनस का टू माइनस का सिक्स एम। अब यहाँ पे लास्ट में एम आ गया तो यहाँ तक इसको रोक देंगे। फाइव टू एम इक्वल टू ज़ीरो ये तो एज इट इज़ पड़ा है। अब क्या करेंगे, फाइव थ्री एम इक्वल टू ज़ीरो को, फाइव थ्री एम को ज़ीरो के बराबर रख देंगे, तो इसे ज़ीरो के बराबर रख देंगे। तो फाइव थ्री एम की समीकरण है, इसे ज़ीरो के बराबर रखा तो हमारे पास है, इसमें सबसे पहले माइनस की गुणा करेंगे, एम क्यू प्लस एम स्क्वायर माइनस का एम माइनस का वन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद में इसके तीन मूल निकालेंगे, यानी एम के तीन मान निकालेंगे। मान निकालने के लिए इसमें ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि ये राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, यानी ज़ीरो के बराबर हो जाए। तो एक इसमें रख के देखा तो ये ज़ीरो हो रहा है, तो इसका मूल एक हो गया एम बराबर एक, और दूसरा मूल हो गया एम बराबर माइनस एक, क्योंकि माइनस एक रखने पर भी ज़ीरो आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो एम बराबर एक एम बराबर माइनस एक है, तो इन दोनों को अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एम एक को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो m माइनस वन बराबर ज़ीरो हो जाएगा, और ये m प्लस वन बराबर ज़ीरो हो जाएगा। अब दोनों की करेंगे गुणा, तो गुणनखंड में एक फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एम स्क्वायर माइनस एक बराबर ज़ीरो हो जाएगा। अब इस एम स्क्वायर माइनस एक को किस से भाग करना है, एम क्यू प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एक बराबर ज़ीरो, यानी इससे भाग कर देना है। तो एम स्क्वायर माइनस वन को भाग देना है एम क्यू प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस वन से, तो भाग देंगे तो शेषफल ज़ीरो आएगा और भागफल आएगा एम प्लस वन। हमें चाहिए सिर्फ भागफल,
एम प्लस एक को अब जीरो के बराबर रख देंगे, तो एम प्लस एक बराबर जीरो, यानी एम का मान आ गया माइनस एक। एम के तीन मान है एक, माइनस एक और माइनस एक। अब इससे सी का मान निकालेंगे, तीन सी के मान निकालेंगे और इन उन तीनों सी के मानों को वाई बराबर एम एक्स प्लस सी वाले समीकरण में रख देंगे तो तीन अनंत स्पर्शियाएँ आ जाएगी। जब एम बराबर एक है तो सी का एक फॉर्मूला होता है, देखिए जब एम एक ही हो यानी भिन्न हो तो ये फॉर्मूला लगेगा माइनस का फाइव टू एम अपॉन फाइव डैश थ्री एम, यानी इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रखनी है तो इस यहाँ पे आया जीरो, यानी सी का मान हो गया जीरो। अब देखिए इन दोनों का मान समान है, यानी दो एम का मान समान है, माइनस एक माइनस एक। तो जब एम के मान समान होते हैं तो हम इन्हें इस प्रकार से इसका सी नहीं निकालते हैं, सी निकालने के लिए समीकरण का उपयोग में लेते हैं। वो समीकरण है एक बटा फैक्टोरियल दो सी स्क्वायर फाइव डबल डैश थ्री एम प्लस सी फाइव डैश टू एम प्लस फाइव वन एम। तो इसमें फाइव डबल डैश थ्री एम की वैल्यू रखेंगे, माइनस का टू माइनस का सिक्स एम जो पहले अपन ने निकाली थी, प्लस सी फाइव डैश टू का मान है ज़ीरो और फाइव वन का मान है माइनस का तीन माइनस का एम बराबर ज़ीरो। तो आगे बढ़ते हैं अपन, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने पर हमारे पास सी स्क्वायर का मान आएगा, सी का मान आएगा सबसे पहले। तो इसे हल करने पर हमारी समीकरण कुछ इस प्रकार से बनती है, माइनस का टू सी स्क्वायर माइनस का सिक्स एम सी स्क्वायर माइनस का सिक्स माइनस का टू एम इक्वल टू ज़ीरो। अब दोनों में क्या करेंगे, सी स्क्वायर जुड़ रहा है जोड़ देंगे, अगर नहीं जुड़ रहा है तो ऐसे ही पट रहने देंगे। उसके बाद दो तो कॉमन आ रहा है सभी में से, माइनस का दो, माइनस का दो को बाहर निकाल के जीरो के बट्टा में भेज देते हैं तो ये जीरो का जीरो ही पड़ा रहेगा। समीकरण बनेगी सी स्क्वायर माइनस प्लस का थ्री एम सी स्क्वायर प्लस का थ्री प्लस का एम इक्वल टू ज़ीरो। तो सी स्क्वायर प्लस का थ्री एम सी स्क्वायर बराबर हो गया माइनस का एम प्लस थ्री। सी स्क्वायर को दोनों में से कॉमन लिया तो वन प्लस थ्री एम इक्वल टू माइनस का एम प्लस थ्री। सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का एम प्लस थ्री अपॉन में थ्री एम प्लस वन। सी स्क्वायर इक्वल टू, अब एम का मान कितना था हमारे पास, माइनस का एक बटा दो था तो वो रखेंगे, नहीं माइनस का वन था तो माइनस का वन रखेंगे तो सी का मान आ जाएगा, यानी सी स्क्वायर बराबर आया वन। यानी सी स्क्वायर इक्वल टू वन है तो सी इक्वल टू रूट में वन, रूट में वन इक्वल टू होता है वन प्लस माइनस का वन। यानी सी के तीन मान आ गए, पहले में आया जीरो, दूसरे में आया प्लस वन, तीसरे में आया माइनस वन, अतः अनंत स्पर्शियाँ होगी। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम वन एक्स एम वन और सी वन रखना है। एम वन का मान था एक तो पहले यहाँ पे एक और जीरो रख देंगे, यानी m के तीन मान थे और c के तीन मान थे, तो m का पहला मान एक था और c का पहला मान ज़ीरो था, वो दोनों रखेंगे तो y बराबर एक्स समीकरण बनेगी। फिर वापस y बराबर एम एक्स प्लस सी में दूसरा m और दूसरा c रखेंगे तो y प्लस एक्स माइनस वन बराबर ज़ीरो, ये समीकरण बनेगी। फिर y बराबर एम एक्स प्लस सी में m का तीसरा मान और c का तीसरा मान रखेंगे तो y प्लस एक्स प्लस वन बराबर ज़ीरो समीकरण बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये समीकरणें बनती है। तो ये इसका आंसर है, ये तीन अनंत स्पर्शियाँ इसका आंसर है। अब प्रश्न नंबर नौ कह रहा है, सेम वही बात कह रहा है कि अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर सात से तेरह तक अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करनी है। नवा प्रश्न में भी एक समीकरण दी हुई है, इसमें फाइव थ्री एक्स फाइव टू एक्स फाइव वन एक्स निकालेंगे। फाइव थ्री एक्स यानी जिनकी घात तीन हो, एक तो ये आ गया दो टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब, यहाँ तक सम्मिलित होगा फाइव थ्री एक्स में। माइनस का फोर एक्स स्क्वायर और प्लस का एट एक्स वाई, यानी इसकी घात भी एक है इसकी एक है, यानी दोनों को जोड़ा तो हो गया दो, ये फाइव टू एक्स में सम्मिलित होंगे। माइनस का फोर एक्स होगा फाइव वन एक्स में, तो ये तीनों समीकरण आ गई। उसके बाद पुट x इक्वल टू वन एंड y इक्वल टू एम एंड देन फाइव थ्री एम, यानी y की जगह m रखा तो m ये यहाँ पे आ गया, और x की जगह एक रखने पर ये तीनों समीकरणें इस प्रकार से बनेगी, फाइव थ्री एम इक्वल टू टू माइनस एम माइनस टू एम स्क्वायर प्लस एम क्यू, फाइव टू एम इक्वल टू माइनस का फोर प्लस एट एम, फाइव एन एम इक्वल टू माइनस का फोर। अब फाइव थ्री एम की एक बार डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर आ रहा है एम के सापेक्ष में करेंगे, थ्री एम स्क्वायर माइनस का फोर एम माइनस का वन, ये समीकरण आ रही है। अब फाइव थ्री एम इक्वल टू जीरो, यानी इस पूरी समीकरण को जीरो के बराबर रख देंगे और एम के तीन वैल्यूज़ निकालेंगे,
क्योंकि इसकी अधिकतम घात 3 है। तो नाउ 5 3 m इक्वल टू 0, m क्यूब माइनस 2 m स्क्वायर माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। m इक्वल टू 1 इस समीकरण में रखा तो ये 0 हो रही है, इसका मतलब 1 मोल m 1 है। फिर माइनस 1 को रखा है m की जगह तो ये भी 0 हो रही है, तो इसका मतलब दूसरा मोल है माइनस का 1। अब तीसरा मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, m बराबर 1 है, इसका एक गुणनखंड बनाएंगे। तो 1 को इस तरफ लाएंगे तो m माइनस 1 बराबर 0 बन रहा है, यानी एक समीकरण बन गई, और m प्लस 1 बराबर 0 है। इन दोनों को गुणा करवाएंगे और इसमें भाग देंगे तो तीसरा मोल अपने आप आ जाएगा। लेकिन इस इक्वेशन में m बराबर 2 रखने पर भी 0 आ रहा है, इसका मतलब तीनों मूल हमें आसानी से प्राप्त हो गए, m बराबर 1 माइनस 1 और 2। अगर ये तीसरा मूल नहीं होता तो भाग विधि से अपने को ज्ञात करना होता। अब c के तीन मान निकालेंगे, तो तीनों मान भिन्न भिन्न है तो उस एक फॉर्मूले से निकल जाएंगे। m बराबर 1 है तो c बराबर ये फॉर्मूला होता है माइनस का फाइव टू एम अपॉन फाइव डैश थ्री एम। इन दोनों की वैल्यूज निकाली हुई पहले वो रख देंगे और इसमें m की वैल्यू रखेंगे 1 रखेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आएगी 2। अब m इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे इस वाली पूरी समीकरण में, यानी इसमें वापस इसमें माइनस 1 रखेंगे तो c की वैल्यू आएगी 2 आ गई। c की वैल्यू कितनी है 2। अब m इक्वल टू 2 रख देंगे उस समीकरण में वापस तो c इक्वल टू माइनस 4 आएगा। तो c की तीन वैल्यू आ गई 2 2 माइनस 4। अतः अनंत स्पर्शी क्या, अनंत स्पर्शी एक समीकरण होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m के मान रखेंगे बारी बारी से, पहला m का मान रखेंगे उसके बाद पहले c का मान रखेंगे, तो पहले अनंत स्पर्शी आएगी y माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। फिर दूसरे m को और दूसरे c को रखेंगे तो y प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 आएगी दूसरी अनंत स्पर्शियाँ। तीसरे m और तीसरे c को रखेंगे तो y माइनस का 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये तीसरी अनंत स्पर्शियाँ आ गई। तो इस प्रकार से तीनों अनंत स्पर्शियाँ आ गई और ये इस प्रश्न का हल हो गया। इसी प्रकार से 10वां प्रश्न करते हैं, फिर वही एक समीकरण दे रखी है 5 3x 5 2x 5 1x की वैल्यूज इस समीकरण में से अपने को छांटनी है। तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब हो गया 5 3x 5 2x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 2xy 5 1x इक्वल टू x प्लस वाई। अब इन तीनों समीकरणों में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू m पुट कर देंगे। तो यही क्वेश्चन का पैटर्न है अनंत स्पर्शी निकालने का, जो कि एक फिक्स पैटर्न है। 5 3m इक्वल टू आया 1 माइनस एम माइनस एम स्क्वायर प्लस एम क्यूब, 5 2m इक्वल टू 2 माइनस 4m स्क्वायर प्लस का 2m, 5 1m इक्वल टू 1 प्लस m। अब 5 3m का एक बार अवकलन करेंगे तो आएगा माइनस 1 माइनस का 2m प्लस का 3m स्क्वायर। फिर एक बार और अवकलन करेंगे तो 5 3m इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 6m। फिर क्या करेंगे, 5 2m है, 5 2m का एक बार अवकलन करेंगे m के सापेक्ष में तो 5 2m इक्वल टू माइनस का 8m प्लस 2। अब 5 3m इक्वल टू 0 कर देंगे, यानी ये जो मान निकाला था उसको 0 के बराबर कर देंगे 5 3m को इस समीकरण को। तो m स्क्वायर m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब m के तीन मान निकालेंगे, सबसे पहले वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 हो रही है राइट हैंड साइड के बराबर तो उसका एक m का मान वही है। तो m इक्वल टू 1 करने पर 0 हो रहा है तो इसका मतलब m का एक मान 1 है, m बराबर माइनस 1, यानी माइनस 1 भी रखने पर समीकरण दोनों तरफ से 0 हो रही है तो एक मान m का माइनस 1 है। लेकिन m के मान चाहिए 3, तो 3 निकालने के लिए भागफल विधि इसमें लगेगी। तो वो क्या है, m अब इसे 1 को इस तरफ ले जाएंगे तो m माइनस 1 बराबर 0 और ये हो जाएगा m प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों को आपस में, ये दो गुणनखंड बन गए, इन दोनों को आपस में कराएंगे गुणा, m माइनस 1 m प्लस 1 बराबर 0। तो a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 हो रहा है।
अब इस एम स्क्वायर माइनस एक बराबर माइनस एक को भाग देंगे एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस वन, इससे भाग देंगे तो इससे भाग दिया तो शेषफल हमारा जीरो आया और भागफल आया एम माइनस वन। अब इस भागफल को उठाएंगे और एम का मान एक इससे निकाल देंगे तो एम माइनस एक को जीरो के बराबर रखा तो एम बराबर आया एक, तो एम के तीन मान आएंगे एक एक माइनस एक। अब निकालेंगे सी के तीन मान, सबसे पहले जो भिन्न है उसे ले लेंगे, यानी एक और एक दोनों समान ही हैं तो उसके लिए एक समीकरण बनेगी, उससे सी का मान निकालेंगे। लेकिन जो माइनस एक अलग है उसके लिए उस फॉर्मूले से सी का मान निकाल सकते हैं। तो एम बराबर माइनस एक है तो सी बराबर माइनस फाइव टू एम बटा फाइव थ्री डैश एम। अब फाइव टू एम की ऊपर जो वैल्यू निकाली थी वो रख देनी है और फाइव डैश थ्री एम की वैल्यू निकाली थी वो भी रख देनी है। अब इसमें क्या करना है, एम बराबर माइनस एक रखना है क्योंकि एम बराबर माइनस एक निकालने के लिए उसके लिए सी निकालते हैं। तो माइनस एक सभी में रख दिया तो सी का मान आ गया एक, सोल्व किया तो आएगा सी का मान एक। जब एम बराबर एक हो तो यानी इन दोनों के लिए देखते हैं दो सी के मान आएंगे, तो उसके लिए अपने पास एक समीकरण होती है वो है सी बराबर एक बटा दो फैक्टोरियल सी स्क्वायर फाइव डबल डैश थ्री एम प्लस सी फाइव डैश टू एम प्लस फाइव वन एम। तो वन अपॉन टू सी स्क्वायर वन अपॉन फैक्टोरियल टू है, फैक्टोरियल टू की वैल्यू आ गई टू, फैक्टोरियल टू का मतलब है टू इंटू वन इक्वल टू टू। सी स्क्वायर एज इट इज़ पड़ा है, फाइव डबल डैश थ्री एम के ऊपर वैल्यू निकालिए वो रख देंगे, सी का सी एज इट इज़ पड़ा है फाइव डैश टू एम की वैल्यू है ऊपर निकालिए वो रख देंगे और फाइव वन एम की वैल्यू ऊपर निकाली हुई है वो रख देंगे बराबर ज़ीरो कर देंगे। अब इस दो को अंदर गुणा करवाएंगे, सबसे पहले सी स्क्वायर की इसके अंदर गुणा कराएंगे उसके बाद सी के इसके अंदर गुणा कराएंगे, फिर इस दो को क्या करेंगे इसके अंदर गुणा करवाएंगे जो कि आसानी से कट जाएगा, छः से दो कट जाएगा दो से दो कट जाएगा तो इस दो का नीचे से वो हट जाएगा यानी सी स्क्वायर वाली और सी वाली एम वाली टर्म बचेगी, तो इनसे सी का मान निकालेंगे। आगे समीकरण बन दिए छः एम सी स्क्वायर माइनस का दो सी स्क्वायर प्लस का दो सी ब्रैकेट दो माइनस आठ एम प्लस का दो एम प्लस दो बराबर ज़ीरो, यानी सिक्स एम सी स्क्वायर माइनस का टू सी स्क्वायर टू सी को अंदर मल्टीप्लाई करो है फोर सी माइनस सिक्सटीन एम सी प्लस टू एम प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, सिक्स एम सी स्क्वायर माइनस का टू सी स्क्वायर प्लस फोर सी माइनस का सिक्सटीन एम सी और टू एम प्लस टू इक्वल टू के उस तरफ ले गए इसे। तो अब इस तरफ वाले में से टू सी कॉमन आ रहा है तो थ्री एम सी माइनस का सी प्लस का टू माइनस का एट एम इक्वल टू टू एम प्लस टू बच रहा है, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ बार बचेगा सी, सी बचेगा यहाँ बचेगा एम प्लस वन, तो इस सी को एम प्लस वन के बराबर लिख देंगे एक बार और एक बार इस पूरे को एम प्लस वन के बराबर रखेंगे। तो सी इक्वल टू एम प्लस वन, सी इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी थी एक थी तो एक रखा यहाँ पे तो सी की वैल्यू आई टू, दो आ गई। अब थ्री एम सी माइनस सी प्लस टू माइनस का एट एम इक्वल टू एम प्लस वन। अब इसमें भी क्या करेंगे, सी कॉमन ले लिया इन दोनों में, सी कॉमन लिया थ्री एम माइनस वन इक्वल टू टू और माइनस एट एम को राइट हैंड साइड में लगे तो नाइन एम माइनस वन बन गया, सी की सी इक्वल टू हो जाएगा नाइन एम माइनस वन अपॉन थ्री एम माइनस वन, सी इक्वल टू एम की वैल्यू एक रखेंगे तो इसका मान आएगा सी का मान फोर, सी के तीन मान आ गए टू फोर वन। अब अनंत स्पर्श याद करनी है तो अनंत स्पर्श के लिए क्या था, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी समीकरण थी, तो एम के तीन मान आए बारी बारी से, पहले मान को एम के पहले मान को इसमें रखेंगे और सी के पहले मान को इसमें रखा तो उससे समीकरण आई वाई माइनस एक्स माइनस दो बराबर ज़ीरो। फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, m के दूसरे मान y के दूसरे मान को रखा तो y माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो आ गया। फिर इसमें देखिए y इक्वल टू माइनस वन एक्स प्लस वन, यानी y के तीसरे मान को m के तीसरे मान को और c के तीसरे मान को रखा तो y प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो आ गया समीकरण, यानी ये तीन हो गए अनंत स्पर्श। क्वेश्चन नंबर टेंथ का आंसर, तो इस प्रकार से अपने को ये क्वेश्चंस करने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसमें भी अनंत स्पर्श ज्ञात करनी है, तो इसमें इसे करने का थोड़ा बहुत तरीका आगे से अलग है। देखिए पहले सबसे पहले देखना है एक्स एक्स के समांतर कौन सी है। एक्स एक्स के समांतर यानी एक्स स्क्वायर वाली लेनी है। एक्स स्क्वायर वाई को जीरो के बराबर रखा और एक्स स्क्वायर को भेज दिया इसके अपॉन में, तो वाई बराबर जीरो आ गया। तो फाइव थ्री एक्स इक्वल टू आ गया वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर, इतनी आ गई। उसके बाद में फाइव टू एक्स हो गया, इसके में दो घात की कोई नहीं है टर्म, तो ये हो गया जीरो। और फाइव वन एक्स आ गया माइनस का वाई। अब इन तीनों समीकरणों में वाई इक्वल टू एम एंड एक्स इक्वल टू वन पुट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है फाइव थ्री एम इक्वल टू एम क्यू प्लस एम प्लस टू एम स्क्वायर, फाइव टू एम इक्वल टू जीरो, फाइव वन एम इक्वल टू माइनस का एम। अब देखिए इसका एक बार अवकलन करेंगे, फाइव डैश थ्री एम इक्वल टू थ्री एम स्क्वायर प्लस फोर एम प्लस वन, फाइव डबल डैश थ्री एम यानी इसका वापस से एक बार अवकलन किया सिक्स एम प्लस फोर, फाइव थ्री एम को जीरो के बराबर रखेंगे, इस समीकरण को जीरो के बराबर रखा तो एम क्यू प्लस टू एम स्क्वायर प्लस एम इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू माइनस वन इसमें पुट किया तो जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब एम प्लस वन एक गुणनखंड हो गया इसका, एम प्लस वन का इसमें डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर भागफल आ रहा है एम स्क्वायर प्लस एम, तो एम स्क्वायर प्लस एम को जीरो के बराबर रखा तो एम कॉमन लिया एम ब्रैकेट एम प्लस वन इक्वल टू जीरो। उसके बाद देखिए क्या करना है, एम इक्वल टू जीरो करना है एक बार और एक बार एम प्लस वन इक्वल टू जीरो करना है, तो एम इक्वल टू जीरो यानी एम की एक वैल्यू जीरो आ गई और एम प्लस वन इक्वल टू जीरो यानी एम की एक वैल्यू आई माइनस वन, तो एम इक्वल टू जीरो माइनस वन माइनस वन यानी एम की वैल्यू तीन आ गई हमारे पास, एम की वैल्यू तीन हमारे पास आ गई। तो जब एम इक्वल टू जीरो हो तो सी इक्वल टू सी का मान निकालेंगे इस फॉर्मूले से, माइनस का फाइव टू एम अपॉन फाइव डैश थ्री एम, इन दोनों की वैल्यू रखी तो जीरो आ गया, सी इक्वल टू जीरो आ गया एक मान इसका C का। और जब m इक्वल टू माइनस वन हो यानी दो मान एक समान है, एक समान के लिए समीकरण से मान निकालेंगे, तो वन अपॉन फैक्टोरियल टू सी स्क्वायर फाइव डबल डैश थ्री एम प्लस सी फाइव डैश टू एम प्लस फाइव वन एम इक्वल टू जीरो, तो वन अपॉन टू सी स्क्वायर फाइव डबल डैश थ्री एम की वैल्यू रख दी, फाइव डैश टू की वैल्यू रख दी और फाइव फाइव वन एम की वैल्यू रखी। उसके बाद सॉल्व किया तो हमारे पास आ रहा है, देखिए सी स्क्वायर थ्री एम प्लस टू इक्वल टू एम, यानी अब इस एम में माइनस वन की वैल्यू पुट कर देनी है, सी स्क्वायर इक्वल टू एम अपॉन थ्री एम प्लस टू, माइनस वन की वैल्यू पुट की तो सी की वैल्यू आई प्लस माइनस वन, सी की तीन वैल्यू आ गई जीरो वन माइनस वन, अनंत स्पर्श आएगी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस जीरो, पहले एम जीरो और सी जीरो रखा तो वाई इक्वल टू जीरो, फिर एम माइनस वन और सी वन रखा तो वाई प्लस एक्स माइनस वन बराबर जीरो, फिर हम माइनस वन सी माइनस वन रखा तो वाई प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ये तीन अनंत स्पर्श आ गई, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, फिर से वही समीकरण है फाइव थ्री एक्स यानी तीन घात की जो जो है उसे सम्मिलित करेंगे, तो फोर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का फोर एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब, यहाँ तक करेंगे। उसके बाद फाइव टू एक्स को देखिए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर करेंगे और फाइव वन एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, पुट एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू एम, फाइव थ्री एम इक्वल टू फोर माइनस एम माइनस फोर एम स्क्वायर प्लस एम क्यूब, फाइव टू एम इक्वल टू थ्री प्लस टू एम माइनस एम स्क्वायर, फाइव वन एम इक्वल टू जीरो। अब फाइव थ्री एम इक्वल टू जीरो कर देंगे तो एम क्यूब माइनस फोर एम स्क्वायर माइनस एम प्लस फोर इक्वल टू जीरो, एम इक्वल टू वन रखेंगे तो जीरो होगा और एम इक्वल टू माइनस वन रखेंगे तो भी जीरो होगा, तो इसे एम माइनस वन लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो और एम प्लस वन इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई की एम स्क्वायर माइनस वन, एम स्क्वायर माइनस वन का इसमें भाग देंगे, एम स्क्वायर माइनस वन का भाग दिया तो शेषफल तो आया जीरो, हमें मतलब है भागफल से, एम माइनस फोर को जीरो के बराबर का तो एम की वैल्यू आई फोर, एम की तीन वैल्यू आ गई वन माइनस वन फोर, एम इक्वल टू वन के लिए सी की वैल्यू निकालेंगे, उसका फॉर्मूला माइनस फाइव टू एम अपॉन फाइव डैश थ्री एम, इन दोनों की वैल्यू रखी और उसके बाद एम की जगह वन रखा, वन रखा तो सी की वैल्यू आई टू अपॉन थ्री, नेक्स्ट में एम इक्वल टू माइनस वन है तो इसमें वापस एम की जगह माइनस वन रखा तो हमारे पास वैल्यू आई जीरो, फिर एम इक्वल टू फोर है तो इसमें वापस एम की जगह फोर रखा तो हमारे पास वैल्यू आई वन बाई थ्री, वन बाई थ्री आ गई तो सी की वैल्यू आई टू अपॉन थ्री जीरो वन बाई थ्री, अतः अनंत इस पर से वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में रखेंगे, पहले एम की वैल्यू वन थी और सी की वैल्यू टू बाई थ्री वो रखी तो थ्री वाई माइनस का थ्री एक्स माइनस का टू इक्वल टू जीरो पहले समीकरण, फिर एम टू और सी टू की वैल्यू रखी तो वाई प्लस एक्स इक्वल टू जीरो आया, फिर एम थ्री और सी थ्री की वैल्यू रखी थ्री वाई माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो वैल्यू आ गई, तो ये अनंत इस पर से होगी।
अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में फिर से अनंत स्पर्श निकालनी है। तो इक्वेशन है 5 3x आ गया, वाई क्यूब माइनस 5xy² प्लस 8x² y माइनस 4x³। 5 2x हो जाएगा माइनस का 3y² प्लस 9xy माइनस 6x² 5 1x इक्वल टू हो जाएगा 2y माइनस का 2x। पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m। 5 3m इक्वल टू m क्यूब माइनस 5m² प्लस 8m माइनस 4। 5 2m इक्वल टू माइनस 3m² प्लस 9m माइनस का 6। 5 1m इक्वल टू 2m माइनस 2। अब 5 3m को 0 के बराबर रखेंगे तो m क्यूब माइनस 5m² प्लस 8m माइनस 4 इक्वल टू 0। m की वैल्यू 1 रखने पर 0 हो रहा है और 2 रखने पर 0 हो रहा है, तो m माइनस 1 एक गुणनखंड और m माइनस 2 एक गुणनखंड हो गया। इन दोनों को 0 के बराबर रखो और आपस में गुणा की तो एक इक्वेशन बन गया m² माइनस का 3m प्लस का 2। अब m² अब इसका इस समीकरण में भाग देंगे तो m² माइनस का 3m प्लस 2 का इसमें भाग दिया तो m माइनस 2 आया भागफल। तो m माइनस 2 को 0 के बराबर रखा तो m की वैल्यू आई 2। m की तीन वैल्यू आ गई 1 2 2। अब c की वैल्यू निकालेंगे, m इक्वल टू 1 है तो c निकल जाएगा माइनस का 5 2m अपॉन में 5 3m। इन दोनों की वैल्यूज रखेंगे और m की जगह 1 रखेंगे तो c की वैल्यू आएगी 0। फिर m इक्वल टू 2 है तो इस इक्वेशन में इस समीकरण में रखेंगे वैल्यूज़, तो 1 upon factorial 2 c² 5 3m प्लस c 5 2m प्लस 5 1m इक्वल टू 0। तो 5 3m की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, 5 2m की वैल्यू ये रही और 5 1 की m वैल्यू ये रही। तो अब इनको आपस में सॉल्व करेंगे यानी c² के अंदर गुणा करेंगे फिर हाफ के अंदर गुणा करेंगे, फिर इस प्रकार से एक समीकरण बन जाएगी हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट्स समीकरण क्या बन रही है, 3mc² माइनस 5c² माइनस 6mc प्लस 9c प्लस का 2m माइनस का 2 यहाँ तक हो रही है। अब इन दोनों को क्या करना है, राइट हैंड साइड में ले जाना है, तो ये माइनस के हो जाएंगे और इन सभी में से c कॉमन आ रहा है, इनमें c नहीं था इसलिए उसे राइट हैंड साइड में भेज दिया। c कॉमन आएगा तो एक बार c इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 2m, तो इससे एक c की वैल्यू आएगी, यहाँ पे m की जगह 2 रख देंगे तो c की वैल्यू माइनस 2 आई। और एक बार इसको इसके बराबर रख देंगे तो c को मनाया इन दोनों में से, इनको वापस उस तरफ भेज दिया तो माइनस हो गया 4m माइनस 7। फिर इन दोनों में से c कॉमन ले लिया तो 3m माइनस 5, c इक्वल टू 4m माइनस 7 upon 3m माइनस 5। m की जगह 2 रखेंगे तो c इक्वल टू आएगा 1। c की तीन वैल्यू आ गई 0, -2 और 1। अनंत स्पर्शियों के लिए y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मूला है, m में पहले m और पहले c को रखा तो y इक्वल टू xi, दूसरे m और दूसरे c को रखा तो y -2x + 2 = 0 आया, तीसरे m और तीसरे c को की वैल्यूज़ को रखा इस समीकरण में तो y -2x - 1 = 0। ये तीन अनंत स्पर्शियाँ आ गई इसकी, तो ये इसका हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 अलग है, सिद्ध करना है निम्न वक्रों के कोई अनंत स्पर्शय नहीं है, 14 और 15। ये कह रहे हैं इनमें कोई अनंत स्पर्शय नहीं है। तो ये क्वेश्चन है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू a² (x²-y²). तो इन को आपस में गुणा a² के अंदर गुणा करवा दी, फिर इन दोनों को वापस लेफ्ट हैंड साइड मिलाई तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस a² (x²) + a² (y² = 0। अब देखिए पैरेलल टू x एक्सिस है, तो पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब है कि x² वाली लानी है, तो इसमें x² नहीं लेंगे क्योंकि x की पावर 4 बड़ी है, तो x की पावर 4 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से x की पावर 4 को 0 के अपॉन में डालेंगे तो 1 इक्वल टू 0 हो रहा है, जो कि संभव नहीं है। अब देखिए पैरेलल टू y एक्सिस करेंगे तो y की पावर 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो 1 नॉट इक्वल टू 0 है। तो तिर्यक विधि से करेंगे अपन 5 4m इक्वल टू 1 + m की पावर 4। 1 + m की पावर 4 कर दिया यानी 5 4 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1 + m की पावर 4। m की 4 इक्वल टू माइनस का 1 और m इक्वल टू -1 की पावर 1/4 आ रहे हैं। अब 1 + m की पावर 4 इक्वल टू 0 कराए तो इसके दो गुणनखंड करेंगे, m² + iota m² - iota इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर m² + iota को 0 के बराबर रखा तो माइनस आयोटा आया और m² = 1 बार + iota है, जो कि m के ये मान संभव नहीं है इसलिए इसके अनंत स्पर्शय नहीं होगी। ये क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, x²(y²) + x²= a²(x²-y²). इसे वापस अंदर गुणा करवा के और a² इन इसको क्या करना है, वापस लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। तो ये क्वेश्चन बनेगी x² y² + x की पावर 4
माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी एक्स की पावर फोर को जीरो के बराबर रखेंगे तो वन नॉट इक्वल टू जीरो सेम वैसे ही है। पैरेलल टू वाई एक्सिस यानी वाई स्क्वायर को वाली टर्म लेंगे, वाई स्क्वायर वाली टर्म दो इस बार, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो किया, वाई स्क्वायर कॉमन लिया जीरो भेज दिया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो बचा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा है जो कि संभव नहीं है, आयोटा में आते संभव नहीं होती अनंत स्पर्शी। फिर से एक विधि और देख लीजिए, फाइव फोर एम इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर किया तो वन प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन आ गया और एम की दो वैल्यू है प्लस माइनस आयोटा जो कि संभव नहीं है इसलिए इसकी अनंत स्पर्शी नहीं होगी। तो एक्सरसाइज सेकेंड है कंप्लीट हो गई और अगले वीडियो में अपन एक नई निरीक्षण विधि वैकल्पिक विधि पढ़ेंगे और एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज सेकंड भी करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में बताइए।